वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दस दा नाम रजिंदर सिंह कोटला, यूनीवर्सल मनुखी अधिकार फ्रंट पंजाब के कन्वीनर। दास समुचिया देश विदेश दियां संगतां नूं दसना चाहुंदा है कि जो बंदी सिंघां दी रिहाई लई बापू सूर सिंह जी खालसा वल्लों संघर्ष कढ़िया गया है, उस दे दौरान कई उतरा चढ़ा आए ने। जिहड़ा इह संघर्ष बंदी सिंघां दी रिहाई लई है वह निरंतर जारी है। 4 तरीक नूं एक्शन कमेटी वल्लों अते अदारा पहरेदार अखबार वल्लों जो पार्लीमेंट हाउस के अगे जंतर मंत्र चौंक दे विच धरना दिता गया, गुरद्वारा रकाबगंज साहब तो चल के रोस मार्च करदिआं जंतर मंत्र चौंक दे विच धरना दिता गया, जिथे कि वख वख जथेबंदियां दे आगूआं ने उस धरने नूं संबोधन किया, बंदी सिंघां दी रिहाई की मंग की। उस तो बाद राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति दिल्ली नूं मंग पत्र बंदी सिंघां दे संबंध विच दिता गया, उन्होंने सोमवार का टाइम दिता है। एक्शन कमेटी ने जी गलबात होगी सोमवार नूं होगी। ये रोस मार्च दिल्ली दे विच इन्ना प्रभावशाली सी कि दिल्ली सरकार अते पंजाब सरकार कंब उठी। उस तो अगे जो एक्शन कमेटी ने प्रोग्राम लिखा हुआ सी, समुची एक्शन कमेटी ने जिस दी अगवाई हुण करन लई सच हक की आवाज़ अदारा पहरेदार के मुख्य संपादक सरदार जसपाल सिंह जी हेरा नूं सौंपी गई। सारिया जथेबंदियां आगू जथेदार ध्यान सिंह मंड, श्रोमणी अकाली दल मान, जथेदार जसकरन सिंह कान सिंह वाला, संत बाबा बलजीत सिंह दादूवाल अते होर पंथक आगूआं ने जो एक्शन कमेटी के मैंबर सन ने अपनियां तकरीरां दे विच समुची गवाही जो बापू सूर सिंह वल्लों संघर्ष विढ़िया गया बंदी सिंघां दे संबंध विच जिस दी गवाही करनी आ, तो समुची गवाही करनगे जसपाल सिंह जी हेरां। जो भी वह फैसला लैणगे भी असीं उहनां दे नाल सहमत होवांगे, क्योंकि सरदार जसपाल सिंह जी हेरां सच हक दे पहरा दे रहे हन, अते अपनी अखबार अदारा पहरेदार विच वी रोजाना ही तरह वध तों वध सिख कौम की सेवा कर रहे हन। कल्ली सिख कौम की भी नहीं, किसी भी धरना किसी भी धर्म ना कोई वधीकी हुंदी है तां अदारा पहरेदार अते संपादक जसपाल सिंह हेरां अपने संपादकी राही उन्हां वधीकियां दा विरोध करदे हन। इस वधीकियां दा विरोध करन कारण जसपाल सिंह हेरां दी कलम अते जहेदार बापू सूर सिंह जी खालसा वल्लों विढ़े गए संघर्ष दौरान जो अज 204 दिन तो भुख हड़ताल ते बैठे हन, दिल्ली वाला रोस मार्च देख के जिहड़ा एक्शन कमेटी ने 6 तरीक नूं लुधियाणा दयानंद हस्पताल का घराओ लिखिया सी सरकार बखला उठी, तब अखौती पंथक सरकार जिहड़ी उसने राते रात बापू सूर सिंह जी नूं उत्थों हस्पताल चों छुट्टी दवा के रिहा करके तां उन्हां दे पिंड जद्दी हसमपुर छड्ड गए, जिथे अज सवेर तो ही समुचियां संगतां दर्शन कर रही हैं बापू जी दे आ के मिल रही हैं, तो बापू सूर सिंह जी खालसा ते परिवार बिल्कुल चढ़दी कला विच हन। एजेंसियां वल्लों ते होर पंथक दोखियां वल्लों अफवाहां फैलाईयां जा रही हैं कि बापू जी चढ़ाई करके, ये बिल्कुल गलत गल है। बापू जी चढ़दी कला विच इस टाइम दास साथी सिंह कुलदीप सिंह घोलिया पत्रकार है, रणजीत सिंह बांदर ते होर साथी सिंह समेत बोल रहे जी हसनपुर के बापू सूर सिंह के घर हैं। बापू जी बिल्कुल चढ़दी कला विच ने। हैरानी की गल तो यह है कि दो बुढ़े जरनैल बापू सूर सिंह जी खालसा जो 204 दिनों तो भुख हड़ताल से बैठे हैं, दूसरा बुढ़ा जरनैल सच हक की आवाज़ बुलंद करने वाले कलम के धनी सरदार जसपाल सिंह जी हेरां जो हमेशा जुल्म के विरुद्ध अपनी कलम उठाते हैं, उन्होंने समुची अगवाई तो सरकार ने बखला के सिंघां ते होर आस पास पंजाब दे विच जिवें हरपाल सिंह कुसा या होर कई जगह पर बाबा चमकौर सिंह भाई रूपा उन्होंने भी स्थान पर छापे मारे, उन्होंने अरैसट कर ली। तो अदारा पहरेदार का मुख्य दफ्तर जिहड़ा तरीके आली चौंक के लुधियाणा विखे
बीती अद्धी रात तो पंजाब पुलिस ने पूरी वर्षा गर्दी ना लाम लश्कर लैके दफ्तर के उपर छापा मारिया ता जो जसपाल सिंह हेरा अरैसट किया जा सके, पर सरदार जसपाल सिंह हेरा तो पुलिस नहीं मिले। उन्होंने अपना गुस्सा जिहड़ा वो कंप्यूटर ते गढ़ दिता, उत्थे बैठे मुलाजमान नूं हब दब की खिचा धू की आते जाते हुए कंप्यूटर चुक के लै गए। फिर उस तो बाद जसपाल सिंह हेरा गिरफ़्तार करने लिए उन्होंने जद्दी घर के भी छापे मारे गए। हेरा साहब उत्थों भी नहीं मिले, तो फिर उन्होंने जिहड़ा जगराओं वाला दफ्तर है उत्थे भी छापे मारे, पर उत्थों भी उन्होंने पुलिस के हाथ कुछ नहीं मिलिया। पुलिस खाली हाथ झाड़ के मुड़ गई, अते जिथे भी उन्होंने पता लगा जसपाल सिंह हेरा पहुँचे ने तो उस जगह पर ही पुलिस ने थां थां जाके छापे मारे। पर मैं सिख कौम ने दसना चाहना है बापू सूर सिंह जी खालसा बिल्कुल चढ़दी कला छन, सरदार जसपाल सिंह जी हेरा मुख संपादक पहरेदार अखबार बिल्कुल चढ़दी कला विच हन। सिख कौम किसी अफवाह से असर ना करे। दास इन्ना कुछ कहिंदा होया खिवें दा जाचका, जे कोई गलती होए तां माफ करना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास रणजीत सिंह पिंड वांदर, जो कि 6 महीनों तो लैके बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते जो संघर्ष चल रहा है, बापू सूरत सिंह वल्लों भुख हड़ताल रखी गई है, जो कि 20-25 साल तो सिंह जो जेलां दे विच बंद हन उन्हां दी रिहाई नहीं हो रही, क्योंकि वह जेलां दे विच कोई अपने निजी कार्यां वास्ते नहीं गए, कोई पैलियां वास्ते नहीं गए, कोई घरां दे कम्मां वास्ते नहीं गए, धर्म की आजादी लई अणख लई गैरत लई मोर्चे लाए गए सन, उन्हां दे कारण जेलां दे विच बंद हन। साडा समुची कौम का सारे धर्मां का फर्ज बनता है कि बापू सूरत सिंह दे मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के आपां संघर्ष नूं कामयाब करना है, तो बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते शांतमई तरीके दे नाल योग उपराले करने हन। सारयां दा साडा फर्ज बनता है, जथेबंदियां दा, सारी मनुखता दा, सारे धर्मां दा फर्ज बनता है, क्योंकि अपने गुरुआं पीरां ने होरां धर्मां नूं बचाउण वास्ते अनेकां कुरबानियां दित्तियां हन। सारे धर्मां नूं एकता दे नाल बापू दे संघर्ष नूं सपोर्ट देनी चाहीदी है, ते जो पहरेदार अखबार हक सच दी गल कर रहा है, जिवें सिख चैनल होर चैनल हन वह गल कर रहे हैं, बहुत शलाघा जो कदम है, तो जो प्रेस से हमला होया है इस नूं चौथा थम समझा जाता है, इस पर हमला होना बहुत ही मंदभागी गल है। जो पहरेदार अदारे दे जो उन्होंने कंप्यूटर चके गए हैं, ये सरकार गलत कार्रवाई कर रही है, सानू जागण की लोड़ है। आपां शांतमई तरीके दे नाल रह के प्रोटेस्ट करते रहिए, सरकार दे कन्न बोले हैं उन्हां तक आवाज़ पहुँचाउण वास्ते आपां नूं सचेत होने की लोड़ है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी दास ते दास दे नाल भाई सरबजीत सिंह जी, भाई निर्मल सिंह जी, भाई जसवीर सिंह जी हसनपुर विखे बापू जी बापू सूरत सिंह जी होरां कोल आण के उन्हां दे दर्शन कर रहे हैं। जिहड़ियां अफवाहां लोकां विच जाईयां जा रहीयां ने जां गईयां ने, दास इक्को बेनती करेगा कि उन्हां अफवाहां दे उपर यकीन करन दी जरूरत नहीं। बापू जी चढ़दी कला विच ने किसी प्रकार का किसी सरकार नाल जां सरकारी जथेबंदे नाल कोई समझौता नहीं है। बापू जी का इक्को इक समझौता है कि जबर दा सबर दे नाल मुकाबला बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते वह पहलों भी सन खड़े, तो अज भी अपने स्टैंड के उपर खड़े ने, तो साडा जितनिया भी सिख संगतां ने फर्ज बनता है कि असी बापू जी के इस संघर्ष अंदर मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के तुरीए, जिन्ना हो सके असी एक तो अपनी शमूलियत इस संघर्ष के अंदर बापू जी के नाल रखिए। दूजी गल, अज जे असी अपने आप नूं पंथक तौर पर गुरु महाराज के दर से समर्पित करना चाहते हाँ, अपनी होंद नूं सारे संसार के अंदर जताना चाहते हाँ, बाणी दे नाल जुड़िए, बाणे दे नाल जुड़िए,
क्योंकि बाणी नाल जुड़ के बाणी दे नाल जुड़ के अंदर ऐसी अकीदत ऐसी दृढ़ता पैदा की जा सके जिथे आण के बंदा आखे डगमग छाड़ रे मन बावड़ा अब तो जरे मरे सिद्ध पाइया लीनो हौत हाथ संधौरा। क्योंकि बचन ने जबलग खालसा रह न्यारा तबलग देते देऊ मैं सारा, जब ए गह विपरन की रीत मैं ना करो इनकी प्रतीत। सो अज लोड़ है कि असी जिथे गुरु महाराज का हुक्म है रहनी रह सोई सिख मेरा ओ साहिब मैं उसका चेरा उथे नाल दी नाल संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां दा होका बापू सूरत सिंह दा होका कि असी गुरु के दर ते बाणी करके बाणे करके समर्पित होइए। ये जो बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते उन्होंने संघर्ष विड़िया और ये बड़ा शांतमई और सबर दे नाल जबर दा मुकाबला किया जा रहा है। इस संघर्ष अंदर असी भी पूरे सबर दे नाल शांतिपूर्वक बापू जी दे नाल शमूलियत करनी है। इहदे विच ही असी कौम की जित लैके आउणी जित तक हो सके। बापू जी होरी इस कार्य वास्ते दृढ़ ने कि जित्थों तक मैं चाहुंदा वां वो बंदी सिंघां दी रिहाई होवे। ते नाल दी नाल बापू जी ने अज एक सुनेहा बड़े प्यार विच आखिया दिता है कि सिख संगत बाणी पढ़े सिमरन करे और जित्थों तक हो सके मैं किसी भी योग नहीं। बड़ी निम्रता उन्हां दे अंदर सब कुछ करन दे बावजूद भी अपने आप नू इत्थों तक लैके आउंदे ने। दास ये गल कहेगा गुरु का सिख यही गल कहिंदा है तुदे आगे अरदास हमारी जीवपन सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम ना जाना मेरा। इस गल वास्ते असी सत्कारयोग बापू जी होरां दा जिथे सत्कार करदे हाँ सन्मान देने उत्थे असी सारे ही ये यकीन दवाने बापू जी होरां नू कि बापू जी पूरी सिख संगत पूरी कौम तुहाडे नाल है इस संघर्ष दे विच। सो चढ़दी कला विच रहना ते सानू भी चढ़दी कला विच रहण दा उह संदेश दे रहे ने। इतनियां बेनतियां प्रवान करनियां। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सत श्री अकाल। देखा जावे ते उत्थे अवेयरनेस ज्यादा है उत्थे इस गल दी जानकारी इस गल दी जागरूकता बहुत ज्यादा आ कि बापू जी होरी एक संघर्ष लैके तुरे हुए ने। उस संघर्ष अंदर बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते उह भुख हड़ताल ते बैठे ने। पर जे उस दी निस्बत हिंदुस्तान की गल की जाए हिंदुस्तान के अंदर 100 दे विचों 10 नूं तां पता होवेगा 90 नूं पता ही नहीं कि बापू सूरत सिंह जी कौन ने जां बापू सूरत सिंह जी किहड़ा संघर्ष लैके तुरे हुए ने। ये जितना भी सोशल मीडिया जां सिख चैनल इन्हां चैनलों के राही बाहर संगत बहुत ज़्यादा जागरूकता विच है चेतनता विच है इस गल की जानकारी रखती है। और जे हिंदुस्तान के मीडिया की गल करिए हिंदुस्तान का मीडिया शायद इस गल उपर अजे तक चुप है। बहुत घट चैनल ज बहुत घट अखबार इस संघर्ष की ज बापू सूरत सिंह जी की गल करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज 7 अगस्त सत्कारयोग बापू सूरत सिंह जी खालसा उन्होंने दर्शनों वास्ते समूह प्रचारक सिंह ज्ञानी अमरकवाल सिंह जी ज्ञानी जसवीर सिंह जी भाई निर्मल सिंह जी मुल्तानी डॉक्टर सरवण सिंह जी बाठ असी सारे दर्शन करने वास्ते आए और सत्कारयोग बापू सूरत सिंह जी खालसा जिन्होंने सिख कौम का माण और शान जिहड़ी है वह पूरे संसार विच वधाई है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करन इन्हां नूं चढ़दी कला बख्शिश करन और सिख संगतां नूं असी इस चैनल दे राही सिख चैनल दे राही संगत टीवी दे राही यह बेनती करना चाहते हाँ कि बापू जी चढ़दी कला विच हन। जो संगतां विच किसी भी तरह दीआं अफवाहां फैल रही हैं उन्हां तों संगतां सुचेत रहन। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करन सानू समत बख्शिश करन जिहड़ियां मुश्किलां आ रही हैं वह तुसीं मेरे नालों वध जानकार हो और मैं संगत टीवी दे राही ते सिख चैनल दे राही बेनती करांगा बापू जी दा संघर्ष सानू किते ना किते दुनिया विच जो असीं चाहुंदे हाँ वह सानू मिलेगा जरूर। भावें अज साडे कोल इस तरह लग रहा कि संघर्ष नाल कोई प्राप्ति नहीं हो रही पर बहुत वड्डी प्राप्ति है कि बापू जी दे संघर्ष नाल वर्ल्ड लैवल ते गल्लां पहुँच गई हैं। हिंदुस्तान दीआं सरकारां ते वड्डियां वड्डियां सुप्रीम कोर्ट वर्गियां कोर्टां जिहड़ियां हन
वो चिंता तुर हैं कि बापू जी के संघर्ष नाल किवें वो सिंघां नूं रिहाई करन वास्ते भावें वो अंदर खाते झूठियां स्कीमां बना रहे हैं, पर सिख कौम नूं संगतां नूं बेनती है समा आएगा ये संघर्ष एक दिन रंग लियाएगा। सिखां नूं बेनती है झूठियां वाहां तो सुचेत रहन। बापू जी चढ़दी कला विच हन, किसी भी सरकारी जथेबंदियां जां सरकारी एजेंसियां दे विच बापू जी नूं जे कोई कह रहा है तो इस गल तो संगतां सुचेत रहन। बापू जी अज भी पंथ नूं समर्पित हन, उन्हां दी सोच पंथ नूं समर्पित है। असी सारे इन्हां दे दर्शन करके इस गल नूं सलूट करन वास्ते प्रणाम करन वास्ते पहुँचे हाँ। तो संगत दे चरणां विच बेनती है जदों भी समा बने बापू जी दे दर्शन करो और दर्शन करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दीआं खुशियां लैणियां। और बेनती है कि साढ़े दे कोल भावें हिंदुस्तान विच साडा मीडिया नहीं है जो असी दूर दूर तक अपनी गल पहुँचा सकीए, पर असी धन्नवादी हाँ सोशल मीडिया दे और सिख चैनल दे और इहदे नाल नाल संगत टीवी दे जो देश विदेशों में दूर दरेडे संगतां तक के मैसेज पहुँचाते हैं। सतगुरु जी कृपा करन इन्हां दी भी सेवा प्रवान होवे, क्योंकि सेवा करनी भी बहुत औखी है। बहुत वड्डे वड्डे काम इस सरकारां द्वारा इत्थे हो रहे हैं और सतगुरु कृपा करन बापू जी का संघर्ष सफलता विच जावे। असी तो सिर्फ दर्शन करके प्रणाम कर रहे हाँ, अरदास करते हाँ कि बापू जी का यह संघर्ष सतगुरु जी कृपा करन रंग लियावे, सिख कौम नूं इस तरह की जो बंदी सिंह हैं उन्हां दी रिहाई होवे और न्याय मिले। समूह संगतां दा ते टीवी दा फिर धन्नवाद। सतगुरु जी बापू जी नूं चढ़दी कला बख्शिश करन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। साढ़े सत्कारयोग बापू जी इन्हों का संघर्ष असी देख के करवान जाने, क्योंकि अज 206 दिन तो उपर हो चुका समा। एडा लंबा संघर्ष मैं नहीं देखा अपनी जिंदगी कदे भी। बंदा एक दिन आप देखते हैं भी कदे नहीं खाने तो बिना नहीं रह सकते, पर 206 दिन बहुत बड़ा यानी कि एक साढ़े लिए सोचने वाली गल हो जाती है कि 206 दिन किमें यानी कि बिना लंगर तो रह रहे हैं। बाकी एक इन्हों के अंदर जो जज्बा उस परमात्मा की कृपा वालों बहुत बड़ा जनून की तरह ये संघर्ष कर रहे हैं। और साडा एक फर्ज बनता कि सारी कौम एकजुट होकर इन्हों के मगर चले, क्योंकि सिख कौम को गुमराह करने लिए थोड़ा पता ही है सरकार की चाल चल रही है। असं तो यही चाहवांगे कि बापू जी का जो संघर्ष है उसनों हर एक इंसान को सच्चे दिल तो जुड़ के इन्हों के नाल चलना चाहिए है, तो इन संघर्ष लिए हर तरह की मदद करनी चाहिए है। तो मैं दो लाइना एक सिख कौम के लिए जरूर कहूँगा जो मैं गा के या बोल के तुम दस दूँ। बोला दे सिंह पूरे करके पूरे वखाउंदे ने, मौत खड़ी तक मूरे हस के गल नाल लाउंदे ने। सिख कौम ने सिखी है गल सदा बहारा दी, सब तो वखरी कौम है लोको सिंह सरदारा दी, सब तो वखरी कौम है लोको सिंह सरदारा दी। चंगा माड़ा किसे नू ना कहन सूरमे सदा पाना मन दे, रूब ना किसे दा कदे सैन सूरमे वैरी दे हड पन दे, जंग विच खालसे ने वार खिचने, जंग विच खालसे ने वार खिचने, केड़ा मुगल जरू चढ़दी कला दे विच रैन सूरमे राज खालसा करू, चढ़दी कला दे विच रैन सूरमे राज खालसा करू। ए सच्चे सुचे सिंह सरदार ने जिन्होंने एक अपनी अणख दे लई सिख कौम की अणख दे लई संघर्ष शुरू किया है, तो मैं इन्हों का बहुत ही ज़्यादा दिल तो धन्यवाद भी करदा तो ऋणी भी हाँ कि यह जे महान सिख साडे विच अजे भी मौजूद ने। हाँ जी, मेरा नाम सरोए बी है, पटियाला तो बिलोंग करते हैं। ये साडी एक यूथ वैलफेयर सोसायटी ऑफ पंजाब बनाई गई है बई हरपाल पाल जी, बई गुरत्यान जी, बई सिमरनजीत सिंह जी, तो बई
हरविंदर सिंह जी पटियाले तो सारी संगत आई है। अगे नूं साडी संगत होर भी बहुत ज़्यादा वध चढ़ के आऊगी क्योंकि साडे कोल अज बड़ी जल्दी दे विच असीं आए हां ते इस करके टाइम दे टाइम कोशिश सी साडी वध तों वध सिंह होर आउण। नैक्सट टाइम असीं वध तों वध संगत नाल लेके आवांगे। हाँ जी हाँ जरूर जी जरूर। हर एक गल का असं देखते हैं सिख कौम जी सां इस टाइम बंट चुकी है। वह रीजन ये है भी कुछ ना कुछ जी सरकार जीडिया ने लोगों को गुमराह करने के तुलिया हुई ने। असं देखते हैं बापू जी ने किसी भी चैनल उत्ते कदे कोई खबर नहीं दिखाई जाती क्योंकि मीडिया बकाऊ हो चुकिया। कोशिश करा असं वो वो कि साड़ी सिखी का जोड़ा प्रचार है वह सही तरीके किया जाए तो उन्हों का संदेश जरूर दुनिया तक पहुँचावे। जिथे भी साडा कितने प्रोग्राम होया तो असं सब तो पहले बापू जी बारे चार लाइना जरूर बोलेंगे। मेरे बड़े भाई अवतार सिंह जोशन जर्मन तो मैं उन्होंने भी कदे एहसान नहीं चुका सकता जिन्होंने सानू बल्कि हर वेले वेले सानू जगाते रहे ने भी थोड़ा फर्ज बनता थोनू ये करना चाहिए थोनू वो करना चाहिए। उन्होंने सानू बहुत ज़्यादा मतलब कि वे इस राह पर प्रेरिया है। खास करके बापू सुर सिंह जी बारे सानू पहले बिल्कुल नहीं पता सी कि भी बापू सुर सिंह जी कौन ने। जो तो उन्होंने फोन आया कहते तुसी मिल के नहीं आए तुहानू पता नहीं। मैं कहा सर जी सानू तो पता नहीं सीगा। फिर उस तो बाद सानू पता चलिया कि बापू सुर सिंह जी किहड़े रस्ते दे किहड़े मिशन ते तुरे हुए ने। उस तो बाद सानू फिर असली दा पता चलिया ते उन्हां दा असी अपने वड्डे भाजी अवतार सिंह जोशन जर्मन दा कदे भी देण नहीं दे सकदे। उन्हां दी इस रस्ते दे सानू तुरन लई सही तरीके नाल प्रेरित किया। असं उन्होंने भी तहे दिलों धन्यवाद करते हैं। असं उन्होंने रस्ते दसे हुए हमेशा चलते रहेंगे जिम्मे उन्होंने सानू प्रेरित किया। तो बाकी तो असं यही कहूँगा सारी सिख संगत को कि एकजुट होकर बापू जी के संघर्ष में साथ दें। बस इन्ना गल कहता हो मैं बापू जी नाल हमेशा लई जुड़े रहने की सब सिखा अपील करूँगा। मेरा नाम हरपाल सिंह है। असं पटियाले तो आए हाँ। असं पहला भी बापू जी को आके गए थे बापू जी मिल के गए थे और बापू जी ने वादा करके गए थे कि असी आने वाले टाइम च वध तो वध जत्था भी लैके आवांगे। तो बापू जी ने यही वादा किया कि अपने इलाके दे विच अपने पटियाला शहर दे विच जिहड़े लोगों को नहीं पता उन्होंने लोगों को जागरूक करने वास्ते फ्लैक्सा पोस्टर भी लवावे। असं सेवा पूरी करके ही बापू जी को दोबारा आए हाँ। तो बापू जी को हौसला अफजाई करते हैं कि बापू जी पटियाला जत्था भी थोड़े नाल कायम है हर वेले ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ मैं काफ़ी समय तो बापू जी की संगत की जो मेरे इरादे ने बापू जी जो गल कह देंगे ने उदे ते पूरा ठोक के पहरा देंगे ने। मैं तो समूह सिख कौम नूं यही बेनती करूँगा कि बापू जी जो पहले दिन तो जो गुरबख्शे ने अपनी सिख कौम नूं ढा लाई आ बापू जी ने वो प्रण किया सी भी जो गुरबख्शे ने अरदास बेनती की गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के चरणों के इन्होंने वह प्राण पूरा करना जी। इन्होंने उदण तो ही प्राण किया होया वा भी जो अरदास बेनती गुरबख्शे ने करी सी भी जां तां बंदी सिंह रहा होणगे जां वो अपने शहादत देणगे पर वह गुरबख्शा उस गल तो भज गया। बापू जी ने उस दिन तो प्राण किया होया भी मैं जां तां बंदी सिंह रहा होणगे जां बापू जी शहीदी पाउणगे। इस गल दे विच समूह सिख संगत नूं किसी भी किसी की गल दे विच नहीं आना चाहिए। मैं तो यही बेनती करूँगा बहुत लोग अफवाह उड़ाउंदे ने बापू जी चढ़ाई कर गए बापू जी का परिवार बैक गया जां कुछ भी हो गया। मैं पहले दिन तो बापू जी के नाल तुरिया आ रहा वा मैनू पता बापू जी ने जो गल कहती सो कहती वो उस गल ते दृढ़ ने। हुण प्रशासन वल्लों बापू जी के परिवार परिवार ते वीर दा जिवें गोगी वीर जी का
उन्होंने कह रहे हैं भी पासपोर्ट दो जां होर काफ़ी तंग परेशान किया जा रहा है। देखो जी जो बापू जी ने कहा उन्होंने करना वीरे होणा विच हुण बापू जी ने जो गल कहती वो तो पिछे किवें हट सकते ने। बापू जी ने जो प्रण किया उन्होंने निभाना वा। मैं तो सिख कौम यही बेनती करूँगा भी आपा जी आप सारू एक प्लेटफार्म से सिख कौम कट्ठे हो के बा जो बापू जी ने प्रण किया होया उन्होंने नाल खड़ना चाहिए। परिवार को जो प्रशासन तंग कर रहा आप कौम कट्ठी हो के प्रशासन को जवाब देवे भी जो बापू जी ने प्रण किया वह आपदा निभाउणगे जां तां बंदी सिंह रहा होणगे जां बापू जी शहीदी पाउणगे पर उन्होंने परिवार नाल जां होर सिख कौम नाल धक्का ना किया जाए। जे आपां कट्ठे नहीं होंदे तां अपने नाल इस तरह ही धक्का हुंदा रहूगा। मैं सिख कौम दे चरणां च यही अरदास बेनती करदा कि वीरो हुण जे आपां हुण भी बेड़ा खंझा लिया हुण भी आपां उठ के ना तुरे बापू जी दे नाल मेरे हिसाब नाल इस तों बाद किसी सिख जां मैं वाले लफ्ज नहीं कहिंदा भी अपने तो किस बापू जी वर्गा बंदा आपां नूं इत्थे लभणा नहीं अपने तो उठ के अपने हक मंगे नहीं जाने। मैं तो यही सारी कौम दे चरणां च बेनती करूँगा कि आपां हंबला मारीए कट्ठे हो के बापू जी दे नाल खड़ीए तां जो आपां बंदी सिंह रिहा करा लईए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।